दो केसेस थे। पहला था कि जो पंजाब और हरियाणा में जितने भी ठेके हैं उस पर अगर हम कोई भी बॉटल लेते हैं शराब की, चाहे वो बियर की है चाहे विस्की की है, उस हरेक परचेज के ऊपर हमें बिल मिलना चाहिए, इस चीज़ का कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में किसी भी ठेके पर अभी तक कोई भी ठेकेदार बिल नहीं दे रहा हो, तो उसमें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे, हमने बैच नंबर्स भी दिए हैं कुछ बॉटल्स के जो हमने अलग अलग ठेकों से लेकर कोर्ट में सबमिट किया है, तो 18 तक कोर्ट ने उसमें अपना रीज़न बताना स्टेट्स ने कि वाई दे हैव नॉट इशूड बिल्स। तो अब से ये होगा कि जो ठेकेदार बिल नहीं देगा वो भी कोर्ट में पार्टी बनेगा। और आपके थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लोगों से कि अगर आप बॉटल खरीदते हो तो प्लीज़ काइंडली उसका बिल मांगो, दैट इज़ योर राइट। उसी के लिए हमने ये सारी लड़ाई लड़ी है, बिकॉज यू शुड गेट क्वालिटी लिकर एट गुड रेट्स। और दूसरा जो केस था वो था हाईवे के ऊपर जो ठेके हैं उसको लेकर, और उसमें NHAI से अभी तक भी किसी भी ठेके ने परमिशन नहीं ली, और ये क्लियर स्पष्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दोनों पंजाब और हरियाणा की, वो ठेकेदारों की सपोर्ट कर रही हैं। और अब जो ये मसला है ये नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज़ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के बीच में है। लेकिन 18th तक जो अभी तक NHAI ने 260 ठेकों को नोटिस दिया था उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करनी है, एंड द नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 18th फॉर बोथ द केसेस। देखो अभी तक जो स्टेट्स हैं बिकॉज वो ठेकेदारों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ बिल मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ये सब ठेकों पे पंजाब हरियाणा में आप कहीं भी जाओगे आपको हर बार बिल मिलेगा, जो कि एक बिल्कुल झूठ बात है, विच इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। मैंने अपने आप दोनों स्टेट्स में से तकरीबन 10 बोतलें मेरे पास पड़ी हैं जिसका कोई बिल नहीं मिला, अलग अलग ठेकों से ली हुई, लेकिन अभी तक कोई स्टेटस रिपोर्ट किसी भी स्टेट की तरफ से नहीं दी गई। अंबाला में जो एक ठेके बताने को लेकर विवाद हुआ उसमें अंबाले के एक ठेके की आप कह लो कि एग्जाम्पल चल रही थी, लेकिन जो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई दैट इज़ जस्ट एन एफर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लिकर कॉन्ट्रैक्टर के जो बाकी के नोटिसेज हैं उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ना हो, लेकिन एक ठेके को लेकर ही ये बात आगे चलती रहे। उस ठेके को भी 18 तक दे हैव टू गिव देयर ड्यू परमिशन, दे हैव टू टेक इट। NHAI से परमिशन ले ली क्या उन्होंने, कोर्ट में बताया? अभी तक किसी ठेके ने, इंक्लूडिंग जो अम्बाले वाला ठेका जिसका पहले जिक्र हुआ था, किसी ने NHAI से परमिशन नहीं ली, और उसका प्रोसीजर फॉलो करने का भी जो स्टेप्स हैं प्रतिक्रिया वो अभी शुरू नहीं हुई। सो दैट जस्ट शोज के भी इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर ठेकेदार हैं वो इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न बिकॉज दे नो के स्टेट्स की उनको सपोर्ट है। और एक और जो बात है कि भाई NHAI हर बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट दी जाए ताकि हम जाकर अपना एक्शन कर सकें, लेकिन अभी तक दोनों स्टेट्स में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने NHAI को एक्शन लेने के लिए सपोर्ट नहीं किया। तो क्या ठेकों का NHAI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है? कोई भी बिजनेस जो हाईवे पे ऑपरेट होता है उसको एक, देयर इज एन एक्ट कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज, लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट ऑफ 2002, उसके हिसाब से कोई भी जो बिजनेस हमने हाईवे पे करना है उसके लिए रास्ते का एक्सेस, जैसे हम हिंदी या पंजाबी में कहते हैं राहदारी, तो राहदारी एक्सेस परमिशन लेनी ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम पेट्रोल पंप्स देखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर एंट्री होती है, एग्जिट होता है, तो उसी तरीके से किसी भी और छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस है, दे हैव टू टेक परमिशन, एनी काइंड ऑफ बिजनेस परमिशन जरूरी है। कोई भी बिजनेस हो, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी प्रोडक्ट, उसका आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है। ये जो बात है कि भाई अगर आप किसी ठेके से शराब ले रहे हो और आपको बिल नहीं मिल रहा, तो वो पर्टिकुलर जो ठेका है या ठेके का ओनर है
उसको कोर्ट में केस में पार्टी बनाया जाएगा, उसको भी यहाँ पेश होना पड़ेगा। तो इसकी नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 18th ऑफ दिस मंथ है, लेकिन इट्स जस्ट के भी जो ठेकेदार हैं उनसे डर के ये ना सोचो कि आपने बिल नहीं लेना, अगर आप बॉटल ले रहे हो तो काइंडली आस्क फॉर दी बिल, दैट इज़ योर राइट। अम्बाला के लाइक पुलिस ऑफिसर सॉरी डीसी एसपी और डीटीसी यहाँ आए थे, लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू अम्बाला, सिर्फ एक अम्बाला की तो बात नहीं है, लाइक नियरली किसको पेश होने के लिए अगली तरह की राज्य सरकार एज ऑफ नाउ लाइक गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी ऑफिशियल को नहीं बुलाया गया एज पर माई नॉलेज, लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है, सो लेट्स सी 18 तारीख तक 260 ठेकों के बारे में क्या एक्शन रिपोर्ट देते हैं वो।